आमतौर पर जहां 500-100 रुपए किलो बिकने वाली मछलियां ही लोगों को महंगी लगती हैं, वहीं जापान में एक मछली 193.2 मिलियन येन यानी करीब 13 करोड़ रुपए में बिकी है। इस मछली का नाम है ब्लू फिन टूना, जिसे रविवार को नए साल के मौके पर हुई नीलामी में जापान के कारोबारी कियोशी किमुरा ने खरीदा। इस मछली का वजन 276 किलोग्राम है। आपको बता दें कि किसी टूना मछली के लिए नीलामी में लगाई गई यह बोली अब तक की सबसे बड़ी बोलियों में से एक है। पिछले साल 278 किलोग्राम की एक टूना मछली की नीलामी हुई थी और इसे कियोशी किमुरा ने ही रिकॉर्ड 22 करोड़ रुपए में खरीदा था। इस मछली को खरीदने वाले कियोशी किमुरा सुशी रेस्तरा श्रृंखला के मालिक हैं और टूना किंग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि वह इस महंगी मछली को अपने रेस्तरा में ग्राहकों को परोसेंगे। दरअसल टोक्यो के विश्व प्रसिद्ध शुकीजी मछली बाजार में हर साल की शुरुआत में टूना मछली की नीलामी होती है और करोड़ों रुपए की बोली लगती है। कियोशी किमुरा अब तक कई टूना मछलियों को खरीद चुके हैं और अपने रेस्तरा में ग्राहकों को परोस चुके हैं। टूना मछली एक लुप्तप्राय प्रजाति है और ये बेहद ही खास है। ये मछली सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत के लिए फायदेमंद होती है। इसमें ओमेगा 3 विटामिन्स और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसे जापान में बेहद पसंद किया जाता है। हालांकि